बनासपुर वन विभाग ने बरडीहा थाना क्षेत्र के आदर गांव में 355 बोटा खैर की लकड़ी सहित पल्टी ट्रक को जब्त कर भवनाथपुर वन विभाग कार्यालय ले आई। इस संबंध में फॉरेस्टर विजय कुमार राम ने बताया कि 355 खैर का बोटा लोडेड ट्रक HR67B3191 बरडीहा थाना क्षेत्र के आदर गांव में बीते 8 जुलाई को पलट गई थी। ट्रक पलटने के बाद चालक इंजन बॉडी लॉक कर फरार हो गया। प्रशासनिक सूचना के बाद उक्त खैर की लकड़ी लदी ट्रक एवं गिरी हुई अन्य बोटा को 2 ट्रैक्टर में लोड कर भवनाथपुर वन परिसर में लाया गया। जानकारी के अनुसार बच्चा उराव सहित अन्य 4 लोग बरडीहा थाना क्षेत्र के आदर गांव के लेवा टाण से सटे जंगलों से बड़े पैमाने पर खैर की लकड़ी को कटवाकर हरियाणा के व्यापारी हाजी निसार से बिक्री करते हैं। बोटा ले जाने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर आदर गांव में पलट गई। अनुमान के अनुसार जब्त 30 से 35 टन खैर का बोटा लगभग 40 से 50 लाख तक की है। फॉरेस्टर विजय राम ने बताया कि वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर प्राथमिकी कराई जाएगी। अवैध लकड़ी जब्त करने में फॉरेस्टर विजय राम के साथ हेमंत पांडे, सतीश कुमार पाठक, निशांत पप्पू, ओम प्रकाश उराव, संतु कुमार सहित अन्य वन कर्मी शामिल थे। करीब 60-55 पीस खैर का लकड़ी। कितना है? 355 पीसा हुआ है। इसको जो है ला कर लगा है। आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। आप अभी कौन आए? अभी का नाम अभी नहीं पता चला है। ड्राइवर बताएंगे? ड्राइवर नहीं है, सब भाग गया था ना। कहाँ से गया? तो भाग गया, वहीं से भाग गया था, इसीलिए गाड़ी पर जाके लोग भाग गया था। अपने हिसाब से इसको लाए? जी अपना हिसाब से, अपना ड्राइवर ले जाएगा, अपना ड्राइवर लेकर के मिस्त्री लाए थे गढ़वा से, क्योंकि अब ये नए मॉडल की गाड़ी है, इसका लॉक वगैरह इंजन का जो है ना नहीं खोल पाता है, इधर का ड्राइवर तो जो बाहर गाड़ी चलाता है उसी को हम लोग लेकर के आए थे, मिस्त्री गढ़वा से लेकर के आए थे। हाँ हाँ, बन अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा कल। अब सुबह जो है अब आएंगे हम लोग, चेसिस नंबर वो लेंगे ना, कुछ पेपर इसका मिला है उसका भी हम लोग। लकड़ी वैध है? क्या वैध है? नहीं, लकड़ी तो अवैध है, क्योंकि देखिए परमिशन नहीं है। तो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।